हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल अगेन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं दोष, जो कि हमारा क्रिया शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रिया शरीर क्या, पूरे आयुर्वेद का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोष की निरुक्ति से शुरू करते हैं। अभी इंट्रो पोर्शन पढ़ते हैं दोष का। सबसे पहले निरुक्ति, शरीर दोषणात् दोषा, शरीर को दूषित करने वाले, ठीक है, उनको हम दोष कहते हैं। दूसरा श्लोक है, नित्याः प्राणभृतान देहे वात पित्त कफ आश्रयः विकृता प्रकृति स्थः वातान विभुत्सेत पंडितः। क्या है नित्या, मतलब हमेशा जो रक्षा करते हैं, रक्षा करने वाले प्राण, जिसका आश्रय, जिसमें रहते क्या है, वात पित्त और कफ, ठीक है, विकृत या प्राकृतिक अवस्था है, और इन विकृत और प्राकृतिक अवस्था को जिसका ज्ञान होता है वही पंडित कहलाता है। फिर दोषों का पंच भौतिक संगठन, वात में क्या होता है, वायु और आकाश, पित्त में क्या होता है, अग्नि, कफ में क्या होता है, जल और पृथ्वी, ठीक है। अब है दोष संख्या, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा समासतः विकृता अविकृता देहम घनंती ते वर्तयन्ति च। क्या है, वात पित्त कफ तीन दोष हैं। दूसरा श्लोक यह है कि विकृत होते हैं तो यह नाश करते हैं, अविकृत होते हैं तो शरीर का पोषण करते हैं। ये अष्टांग हृदय का श्लोक है 1/6। फिर है त्रिदोष सिद्धांत, विसर्ग आदान विक्षेपः सोम सूर्य अनिलाः यथा धारयन्ति जगत देहम कफ पित्त अनिलस तथा। क्या है इसका अर्थ, विक्षेप मतलब गति, और विक्षेप से लेंगे अनिल, और अनिल से लेंगे हम वात, आदान से लेंगे अग्नि, सूर्य होगा वो और वो होगा पित्त, विसर्ग से लेंगे उदक मतलब पानी, सम और वो होगा कफ, ठीक है। त्रिदोष प्रधान ने क्या है, इन सब चीजों को इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, शरीर के निमित्त कारण में आता है, शरीर के निर्माण होने के समय से विद्यमान है, स्थूल व अणु अवयवों में स्थित है, सर्व क्रिया दोष के अधीन है, त्रिदोष प्रकोप के कारण देह का नाश भी करता है।